नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल एंड यू आर वाचिंग अमन रावत ऑनली ऑन पहाड़ी ब्रदर्स ऑफिशियल चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पहाड़ी ब्रदर्स रखे आपको ओलंपिक में सबसे आगे। यहां पर हम लोग हर स्पोर्ट्स को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। हम लेकर आए हैं आज 2 अगस्त का फुल स्केड्यूल, यानी कि day 7 फुल स्केड्यूल सिर्फ पहाड़ी आर्मी के लिए और जितने भी स्पोर्ट्स लवर हैं उनके लिए। तो दोस्तों, अब समय ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए चलते हैं और जानते हैं कल कौन कौन से होने वाले हैं बेहतरीन मैचेस। स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और आपको सारा डिटेल में समझाते हैं। कल का सबसे पहला मैच भारत का होगा गोल्फ मेंस इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले राउंड 2। जो आज मैचेस खत्म होंगे उसके बाद कल का ये राउंड 2 होगा। शुभांकर शर्मा एंड गगनजीत भुलार इंडिया की तरफ से खेलेंगे 12:30 बजे। फिर चलते हैं शूटिंग की तरफ, तो इस मैच का बेसब्री से इंतज़ार है बहुत सारे लोगों को। 12:30 पर शुरू होगा शूटिंग का 25 मीटर पिस्टल वुमेन्स क्वालिफिकेशन प्रिसीजन राउंड। ईशा सिंह एंड मनु भाकर खेलेंगी। मनु भाकर ऑलरेडी भारत को 2 मेडल दे चुकी है, एक इंडिविजुअल में एक टीम इवेंट में। बट अब मनु भाकर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो मुझे लगता है मनु भाकर इजीली क्वालिफाई होकर आगे बढ़ेंगी। शूटिंग की तरफ चलते हैं, तो स्कीट मेंस क्वालिफिकेशन day 1, जहां अनंजीत सिंह नरूका है इंडिया की तरफ से खेलेंगे शूटिंग इवेंट में स्कीट। तो यहां पर बात करें तो दोस्तों 1 बजे मैच शुरू होगा और आर्चरी का मिक्स्ड टीम भी शुरू होगा सेम टाइमिंग पर। यहां पर मिक्स्ड टीम 1:8 एलिमिनेशन राउंड होगा, इंडिया वर्सेस इंडोनेशिया। तो जो लोग हारेंगे वो लोग बाहर हो जाएंगे। तो आई होप कि टीम इंडिया यहां पर अच्छा परफॉर्म करे। रोइंग की बात करें तो बलराज पनवर का मेन सिंगल स्कल्स फाइनल डी चलेगा दोस्तों। यहां पर रैंकिंग राउंड चल रहे हैं, ये मैच भी 1 तारीख को शुरू 1 बजे शुरू हो जाएगा। जूडो की बात करें तो जूडो का पहला मैच तुलिका मांझी और क्यूबा की 38 के बीच है और ये मैच बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। जूडो 1:30 पर शुरू होगा, ये क्यूबा और इंडिया की तुलिका मान के बीच होगा। राउंड ऑफ 32 एलिमिनेशन राउंड है, जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा। 3:45 पर सेलिंग का वुमेन्स झिंगी का मैच होगा, जहां पर वुमेन्स झिंगी रेस 3 होगी, जहां नेत्रा जी खेलेंगी अपनी तीसरी रेस, उसके बाद रेस 4 होगी। हॉकी के मैच की बात करें तो दोस्तों 4:45 पे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का ये शानदार मैच मेंस पूल बी का होगा और पहाड़ी ब्रदर्स इस मैच को आवाज़ देकर सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज़ ये मैच हमारे लिए जीतना इंपॉर्टेंट होगा। बैडमिंटन की बात करें तो दोस्तों 18:30 6:30 पर ये मैच शुरू होगा, लक्ष्य सेन वर्सेज चाओ तेंचिन। हमें एक भी मैच नहीं हारना है, क्योंकि एक मैच भी हारते ही हम बाहर हो जाएंगे। मैन सिंगल्स क्वार्टर फिनाले है दोस्तों, अगर जीत गए तो सेमीफिनाले जाएंगे। सेमीफिनाले गए तो आपको पता है ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा, अगर हारते हैं तो मतलब एक मैच हम ब्रॉन्ज मेडल का खेलेंगे, अगर जीतते हैं तो सिल्वर या गोल्ड कन्फर्म होगा। तो ये क्वार्टर फिनाले भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें। 19:05 सेलिंग मेंस झिंगी दोस्तों, यहाँ 7:05 पर शुरू होगा, विष्णु जी का रेस 3 और उसके बाद रेस 4। फिर एथलेटिक्स के इवेंट शुरू हो चुके हैं, तो 9:40 पे वुमेन्स 5000 मीटर राउंड 1, जहाँ अंकिता जी एंड पारुल चौधरी जी ये रेस खेलेंगी। फिर उसके बाद 11:40 पे हमारे एथलेटिक्स में मेन शॉर्ट पुट क्वालिफिकेशन राउंड होंगे और तजिंदर पाल सिंह तूर उसमें भाग लेंगे। और देखते हैं दोस्तों तजिंदर पाल तूर सिंह क्या कमाल करते हैं, क्योंकि इनसे काफ़ी उम्मीदें हैं, बहुत चिल मोड में चल रहे हैं और मुझे लगता है कि ऐसे चिल मोड के साथ शायद परफॉर्मेंस भी अच्छी दें, देखते हैं क्या होता है। तो ये था आज का फुल स्केड्यूल, यानी कि 7th डे का फुल स्केड्यूल। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कल के सारे इवेंट। ओलंपिक का हर एक इवेंट बहुत बेहतर है एंड आई होप कि आप लोगों को ओलंपिक्स पहाड़ी ब्रदर्स के साथ देखने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। जय हिंद, जय भारत, जय ओलंपिक्स।